नमस्कार, मैं नीरज मिश्रा, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। आज हम आ गए हैं पूर्णिया जिले के वैसी प्रखंड के हरितौर पंचायत में। यहाँ के मुखिया हैं असगर अली जी, और आप जिनको हमारे सामने देख रहे हैं टीवी स्क्रीन में, वो इनके सहायक हैं शशिधर पांडे जी। आइए सीधे तौर पर मुखिया जी से बात करते हैं। 19 से 20 माह हो गए हैं इनको कार्यरत रहते हुए, किस प्रकार से इन्होंने अपने पंचायत में उन्नति की तरक्की की है और किन किन कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ रहा है, जिसके वजह से ये विकास कार्यों में इनके बाधा आ रही है, और जो जो समस्याएं हैं, आइए इनके मुंह से सुनते हैं। सबसे पहले मुखिया जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ दिल से कि आप लोग हम लोग के बात सरकार तक पहुँचाते हैं और पहुँचाते रहिएगा। हम लोग 19 सूत्री मांग को लेकर के अब तक धरना पे थे। सरकार को पहले भी हम लोग अल्टीमेट दिए थे कि जो 15 तारीख तक, और फिर नहीं हो पाया तो फिर दूसरा 15 तारीख हम लोग किए। 15 दिन का पहले दिए थे, 16 से लेकर के 31 तक, और 31 के बाद ये 15 तक। तो अब तक सरकार का कोई सुझाव नहीं आया हम लोग के मुखिया के विषय में जी। अब हमारा बिहार अध्यक्ष मुखिया शंका जो है वो 15 तारीख के बाद जो डिसाइड देंगे उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। ज़रूरत पड़ी तो वो रोड पे उतरना होगा तो उतरेंगे, और हम लोग पूरे बिहार के मुखिया एक साथ हैं। आज जैसा कि काम के विषय में आप देखे होंगे कि नल जल योजना जी, जब तक मुखिया के द्वारा कराया गया तो घर घर नल जल पहुंचा और कार्य हुआ जगह पर, और जब से एजेंसी के द्वारा किया गया तो हमारे पंचायत में आप देख सकते हैं इसका सर्वे करके कि मुश्किल से 25 से 40% घर में पहुंचा होगा और 60% घर में अब तक नल जल नहीं पहुंचा है। वैसा है अभी के सोलर लाइट भी हम लोग के फंड से ले लिया गया। हम लोग ग्राम सभा में पारित करते हैं योजना, उसके बाद जिला भेजते हैं और जिला से टेंडर हो जाता है, और टेंडर होने का कारण क्या है कि हो तो जाता है लेकिन उसका काम बराबर हो। हम लोग तो चाहते हैं कि पब्लिक का काम हो जी। लेकिन आज तक सोलर मेरा 4 वार्ड में लगा है, 4 वार्ड में वो सोलर लगा है, तो हफ्ते में कहीं ना कहीं 5 सोलर उसका गायब रहता ही है कि लाइट ही नहीं जलता। और आप फोन कीजिए एजेंसी को, वो आएगा, कब आएगा कोई ठिकाना नहीं है। यानी कि जिस तरीके से नल जल हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसी तरह से ये सोलर लाइट भी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जी। लेकिन जिस तरीके से आपका कहना हुआ था कि नल जल फेल है, उसी हिसाब से ये भी सोलर लाइट वाली योजना भी फेल हो जाएगी। आपका कहना है कि सरकार काम करके दे चाहे आप काम करके दे, लेकिन काम जो हो वो दुरुस्त हो और धरातल पे हो जी। मुखिया जी, कुछ काम की बातें करते हैं जी। 15वीं सिस्टम और मनरेगा से आपने क्या क्या विकास किए हैं? पांडे जी, आप कार्यवाहक हैं, आप बताना चाहेंगे जी? बिल्कुल। नहीं, माइक नहीं पकड़ना। बोलिए। यहाँ पर लगभग 2000 फीट सड़कों का जो एकदम जर्जर स्थिति में थी जी, कुछ में मिट्टी भराई करके मनरेगा के तहत मिट्टी भराई करने के बाद उसमें जो है पिचिंग कराया गया, सीमेंटेड लगभग 2000 फीट, उसमें रिपेयरिंग भी कार्य है जी। साथ ही नाला का भी कार्य किया गया है, लगभग 800 फीट नाला का कार्य किया गया है। साथ ही मनरेगा के तहत वृक्षारोपण का कार्य यहाँ पर बहुत अच्छा संतोषप्रद है। उसके बाद बच्चों को व्यायाम करने के लिए जिम का व्यवस्था किया गया है विद्यालयों में। साथ ही महादलित टोला में कब्रिस्तान का घेराबंदी का कार्य किया गया है जी। विद्यालय में सार्वजनिक विद्यालय के पास सार्वजनिक शौचालय भी बनाया गया है। विद्यालयों को रंग पोतन का काम भी किया गया है, उसका मरम्मती का कार्य भी कराया गया है। तो यानी कि कुल मिलाकर के आप लोगों ने अपने पंचायत में बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया है। जहाँ तक हमारे पंचायत में सरकार ने पैसा दी, राशि आया, उस राशि का जो है पूर्ण रूप से सदुपयोग किया गया है। अब तो 6 महीना से सरकार पैसा भेजी ही नहीं है, तो अब
हम लोग तो पंचायत से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे मुखिया जी लोगों का सामना करना पड़ता है। हमारे जनता जो है काम के लिए बोलते हैं कि यहाँ नाला बनाना है, यहाँ सड़क बनानी है, तो उस अवस्था में हम लोग विवश हो जाते हैं कि हमारे पास तो राशि है नहीं। तो राशि जब तक कि सरकार देती नहीं है तो काम करना बड़ा मुश्किल है। यानी कि सरकार अगर आप लोगों को राशि देगी तो आप और बढ़िया और अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल। मुखिया जी आपसे एक सवाल, आप जब जनता के बीच में जाते हैं अपने पंचायत में तो जनता आपसे क्या डिमांड करती है और वहाँ सबसे ज़्यादा समस्याएं आपको क्या, किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, किस तरह की समस्याओं का? सबसे ज़्यादा तो देखिए कि आज हमारा 22 प्रखंड जैसा एरिया में सैलाब का स्थिति हमेशा बना हुआ रहता है जी। और हम लोग जब इलेक्शन लड़ते हैं और तो उस समय हजारों वादा करते हैं ग्रामीणों से कि हम जीत के आएंगे तो सरकार से ये मांग करके आपका ये कार्य करवाएंगे, यहाँ रोड बनवा देंगे, वहाँ नाला बनवा देंगे, आपको शौचालय करवा देंगे। लेकिन आज सरकार की स्थिति ये है कि हम लोग को उस हिसाब से पैसा नहीं मिल पा रहा है और जो भी पैसा मिल रहा है तो ये एजेंसी के द्वारा कार्य हो रहा है, इसके कारण हम लोग विफल रहते हैं और पब्लिक के सामने झूठा पड़ते हैं। वहाँ दो बेरा हम लोग जाते हैं तो बोलता है कि ये सब सिर्फ एक वादा है। तो जीतने के बाद हम लोग को तो बहुत शर्मिंदगी होता है। और रही कि हमारा विधायक हो या मुख्यमंत्री हो या सेंट्रल सरकार हो, वो तो यहाँ स्थल पर नहीं आता। पंचायत की मुखिया की बहुत बड़ी जवाबदारी रहता है और वो जवाबदारी निभाने में कहीं ना कहीं हम लोग फेल पड़ रहे हैं और ये कमजोरी हमारे सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा हो या सेंट्रल सरकार के द्वारा हो, हम लोग जो वादा कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। आज जैसा कि RTPL जैसा मामला जी, सरकार ने लेटर में कभी लिखा कि जो ये पंचायत लेवल पर RTPS चलेगा, लेकिन आज तक ये संभव नहीं हो पाया और हमारे गरीब माँ बहन भटक करके जा रहा है बैसी, हर दिन 100 रुपया 200 रुपया खर्चा करके बच्चे को धूप में बैठा करके प्रखंड में बैठ करके ठोकर खा करके आ रहा है, एक बार में बन नहीं पा रहा है, 10-10 बार जाना पड़ रहा है जी। ये जन्म प्रमाण पत्र की बात कर रहे थे आप और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की बात कर रहे थे, दोनों की जी जी। मुखिया जी तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यही हम लोग की मांग है सरकार से कि जो भी चीज़ पंचायत लेवल पर बहाली करना था वो जल्दी किड़ा किड़े और पंचायत सरकार भवन की हमारे पंचायत में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसको कहीं ना कहीं जमीन खरीद करके या जमीन करके ये हम लोग को दे, क्योंकि सिर्फ हमारे पंचायत में पंचायत भवन और मनरेगा भवन एक ही जगह पर सीमित है और बहुत छोटी जगह है जिसमें कार्य नहीं हो पा रहा है। आपने बताया था कि स्वास्थ्य केंद्र की भी आपके यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, जर्जर हालत में एक जो बिल्डिंग आपने बनाई वो भी जर्जर हालत में है, तो उसके लिए किसी से डिमांड की है आपने, लिखित में किसी को दिया आपने? जी हमने यहाँ के वर्तमान विधायक सैयद रुकमुद्दीन साहब है उसको भी बोले और उसको लिखित में भी दिए और हॉस्पिटल में भी लिखित में गया है कि जो मतलब जो पुराना स्वास्थ्य केंद्र था उसको वापस चालू कर दिया जाए, क्योंकि ये जो नया बना है ये मार्केट से कुछ दूर है, गांव से भी दूर है, इसलिए वहाँ स्वस्थ नहीं है, देने में दिक्कत, वहाँ सुव्यवस्था देने में भी हम लोग को भी दिक्कत हो रहा है और वहाँ डॉक्टर को रहने में भी दिक्कत हो रहा है। इससे अच्छा कि मार्केट में पहले जो बना था उसको ही दुरुस्त करें और वहीं कार्य शुरू करें। यानी कि पुराने स्वास्थ्य केंद्र को ही दुरुस्त करके वहीं पे हॉस्पिटल का काम शुरू किया जाए, वहीं पे इलाज शुरू किया जाए जी। मुखिया जी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से श्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी से कुछ संदेश देना चाहेंगे या उनसे कुछ कहना चाहेंगे, आपके यहाँ की विकट समस्या के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं जी। जैसा कि हमारा पंचायती राज मंत्री है उसे यही कहना चाहता हूँ कि पंचायत के ऊपर हम लोग मुखिया बहुत मेहनत से आते हैं, पब्लिक के बीच में पब्लिक बहुत आशा रखता है हम लोग से और कुछ हम लोग के हिसाब से काम हो ताकि अगला पब्लिक को लगे कि नहीं पंचायत में कुछ काम हुआ। और पंचायत में अगर बिहार सरकार अगर ध्यान दे दे मुखिया के ऊपर तो पंचायत स्वर्ग बनेगा, स्वर्ग बनेगा तो बिहार की तरक्की होगी और बिहार का आदमी भी स्वर्ग में जाएगा जी। बिल्कुल, ये थे मुखिया यहाँ के असगर अली जी, आपने सुना इनके मुँह से इनकी जुबानी यहाँ की समस्या। और अगर विकास कार्य में जो मुखिया का अधिकार है और मुखिया जी के द्वारा ही अगर कार्य किए जाएं तो कम से कम 100% नहीं तो 80% जरूर काम होगा, ये मुखिया जी का कहना है, क्योंकि यहाँ लोगों के जैसे जनता ने इनको चुन के लेके आए हैं, जो वादे करके ये आए हैं उनके वादों के ऊपर ये खरे उतर सकें। इसलिए मेरी विनती है माननीय मुख्यमंत्री जी से
कि राशन कार्ड पे और सारी चीजों के बारे में, राशन कार्ड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल जी। जैसा कि राशन कार्ड की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ मोटा मोटी मैक्सिमम 9000 के वोटर है और अब तक हमारे यहाँ मतलब 40% से 45% ही राशन कार्ड बन पाया है, और इसको अगर सुधार करे माननीय मुख्यमंत्री जी तो उसका बड़ी आभारे रहेंगे हम लोग पंचायत के लोग। राशन कार्ड और गरीब भी 3000 रुपये तक के लिया जाता है, ये ब्लॉक में डिमांड किया जाता है राशन कार्ड बनाने के लिए। बिल्कुल, आखिर एकदम जब तक आप देंगे नहीं तब तक के होगा ही नहीं। तो आप बताइए कि एक गरीब व्यक्ति 3000 रुपये दे करके एक राशन कार्ड कैसे बना सकता है, नहीं बना पाता है। तो इसमें क्या होता है कि बड़े लोग जो अमीर तबके के लोग हैं वो बना लेते हैं, 3000 रुपये दे करके बना लेते हैं, और गरीब हमारा जो है इससे वंचित हो जाता है, जिससे कि केंद्र सरकार का ये जो ना ये योजना धरातल पर। और आप लोग भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये अफसरशाही के तहत ब्लॉक में कार्य हो रहा है। अगर ये कार्य आप लोगों के द्वारा होता तो जिसको जिस चीज की आवश्यकता थी वो आप लोग पंचायत में काम, पंचायत के कार्य पंचायत से हो और यही द्वारा तरक्की और उन्नति होगी। ये थे मुखिया असगर अली जी और उनके सहयोगी शशि पांडे जी। मैं नीरज मिश्रा, सहयोगी कैमरामैन गौरव के साथ, बिहार न्यूज़, धन्यवाद।